जन कल्याण के पैसे सरकारी मशीनरी और सत्ताधारी पार्टी मिलकर हड़प करते रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जिस प्रकार से अम्फान का रिलीफ रिहैबिलिटेशन हो या कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, जिस प्रकार से अव्यवस्था और अफरा तफरी देखी गई, और औद्योगिक विकास, महिला सुरक्षा, ये सब में घोर निराशा और हताशा बंगाल की जनता को प्राप्त हुई है। 27 साल के कम्युनिस्टों के शासन के बाद उनको एक आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह बदल गया, दल का नाम बदल गया, बंगाल वही का वही रहा और गिरावट आई। और उस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो सोनार बांग्ला का एक विजन दिया है, हमने बंगाल की जनता के मन में एक आशा की जोत जगाने में हम सफल रहे हैं कि अन्य राज्यों की तरह बंगाल भी सुजलाम सुफलाम हो सकता है, बंगाल भी विकसित हो सकता है, बंगाल के अंदर भी शांति हो सकती है, बंगाल के अंदर भी तुष्टीकरण से बगैर संविधान की योजना के तहत कोई सरकार चल सकती है, बंगाल के अंदर भी धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों के लोगों को मिल सकती है। ये सारे मुद्दों को बंगाल की जनता ने मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम और अमिट आशा के साथ स्वीकारा है। जो कार्यकर्ता चुनाव के फील्ड में थे, सुबह सुबह थोड़ी दहशत थी कि हर बार की तरह गुंडे चुनाव को प्रभावित करेंगे, प्रदूषित करेंगे, परंतु मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव कराने में चुनाव आयोग को सफलता मिली है। आप सभी लोग भी जानते हैं विगत कई सालों से बंगाल के अंदर चुनाव में हिंसा आम हो गई थी, आप लोगों ने उसको कवर करना भी छोड़ दिया था क्योंकि आप समझते थे वो तो होना ही है। ये पहला चुनाव सालों के बाद हो रहा है जहां एक भी व्यक्ति के मरे बगैर, एक भी बम फटे बगैर, एक भी गोली चले बगैर, एक भी बूथ में रिकाउंटिंग रिपोलिंग हो बगैर बंगाल का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत शुभ संकेत है। बंगाल की महिलाओं का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दावा किया है कि पहले चरण में हमें 26 सीटें हासिल होंगे, 26 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। और विशेष तौर पर ममता बैनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा है कि 17 साल तक वहां वामपंथ की सरकार के बाद फिर 10 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि इन 27 से 30 सालों में नहीं। मगर क्या गड़बड़ी, तृणमूल कांग्रेस के एक भी पोलिंग एजेंट ने कोई फरियाद नहीं करी है। गड़बड़ी तो पोलिंग बूथ के अंदर होती है, गड़बड़ी नहीं हुई वो उनकी कंप्लेन है, मगर वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं कि बोलने में थोड़ा संकोच होता है कि इस बार हम गड़बड़ी नहीं कर पाए हैं, यही कंप्लेन है उनका। नथिंग स्पेशल, नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है,
मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। विकास भदौरिया जी। अमित भाई, अभी तो पहले चरण का मतदान हुआ है, ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके आधार पर आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो 84% मतदान आपके पक्ष में हुआ है और दूसरा यही मोमेंटम आगे भी 7 चरणों में बरकरार रहेगा? देखिए विकास जी, ये मैं तो चुनाव के पहले से कर रहा हूँ कि 200 सीटें आएगी। आप लोग कई बार मेरी बात मानते नहीं है मगर मैं बताता हूं, 200 से ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि जब हम प्रचार में जाते हैं, जब संगठन के काम करने के लिए जाते हैं, बंगाल की जनता के जो उद्गार होते हैं, बंगाल की जनता की जो भावनाएं होती है, इनकी संवेदनाएं होती है, वो हमें स्पर्श करती हैं। और इससे मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता त्रस्त है, सभी वादे मां माटी मानुष के खोखले साबित हुए हैं और बंगाल के अंदर पूर्ण संपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। मेघा प्रसाद, टाइम्स नाउ। सर, आप अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों अहमदाबाद में थे। चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। नवजोत रंधावा, रंधावा रविंद्र सिंह जी न्यूज। लगाते रही है कि टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करते रहे, हिंसा काफी हुई और आप कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी किए उनके परिवार से। अब बीजेपी के ही जो शामिल हो गए हैं उनसे ममता बनर्जी खुद फोन कर रही हैं कि हमें समर्थन करो, एक तरफ हिंसा और दूसरी तरफ इस तरह की अपील। आपको लग रहा है कि जमीन खिसकने का डर है या फिर अपने लोगों को वापस लेना चाहती है? जमीन खिसकने के लिए टेलीफोन कॉल का परिचायक होना जरूरी नहीं है। जमीन खिसक चुकी है, जमीन जनता ने खिसकाई है और फिर से एक बार मैं कहता हूं, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही। विनीत, TV18। सर, मैं जिस तरह से पीएम बंगाल गए थे, ममता बनर्जी का कहना है कि वहां जाकर के वो प्रचार कर रहे हैं, जब बांग्लादेश के एक एक्टर ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे तो बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे, अब पीएम के दौरे पर ममता बनर्जी सवाल खड़े भाई वो तो खड़े करे, आप काहे को कर रहे हैं? कल पीएम ने कोई बात करी है वहां पर प्रचार की? कोई बात नहीं करी। प्रधानमंत्री का दौरा है दो देशों के संबंध मजबूत करने के लिए, दो देशों के सांस्कृतिक संबंधों को रिवाइव करने के लिए। वहां पर उन्होंने ना चुनाव की बात करी है, ना ममता दीदी को कुछ कहा है, ना भाजपा के लिए कुछ कहा है। नंदिता प्रतिदिन। तृणमूल कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि आप लोग ईसी को कंट्रोल कर रहे हैं। इस संदर्भ में कल उन्होंने एक टेप भी निकाला है जिसमें आपके दो नेता बात कर रहे हैं और वो लोग डिमांड है कि उसमें जो बातचीत थी है उसी बेसिस में ईसी ने स्टेप्स लिए हैं। ऐसा है, ये बातचीत को जरा ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है आपको ममता जी का आरोप ब्रह्म वाक्य लगता है, ध्यान से सुना नहीं है। इसमें हमारे दो नेता बात कर रहे हैं, इतनी इतनी जगह पे हमने ट्रांसफर के लिए डिमांड करनी पड़ी, ये डिमांड तो हमने राइटिंग में रखी है, इसमें टैप की जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में लिख कर दिया है। एक नेता दूर थे, दूसरे नेता हेडक्वार्टर पे थे, वो फीडबैक दे रहे हैं कि ये कंस्टिट्यूएंसी के लिए भी कंप्लेन करो, इनके भी ट्रांसफर के लिए कहो। तो इसमें क्या कोई गोपनीय बात है ही नहीं। सवाल इसमें से होता है टैप, फोन किसने टैप किया जो आप नहीं उठाते हो और शायद अब भी नहीं उठाएगी नंदिता जी आप, कि फोन किसने टैप किया वो सार्वजनिक करो जरा। किस प्रकार से चुनाव चल रहा है, ये क्या लोकतांत्रिक व्यवहार है फोन टैप करना विपक्ष के लोगों का? इसमें तो कुछ गोपनीय नहीं है, ये जो बात हुई है हमने ब्लैक एंड व्हाइट में टाइप कर चुनाव आयोग को दिए। क्या बम फोड़ा है उन्होंने इसमें बड़ा? आप लोगों को लगता है बड़ा स्कूप निकल कर आ गया? कुछ नहीं है, हमने राइटिंग में दिया है बाबा चुनाव आयोग को। मगर मूल इसके अंदर सवाल तो ये है कि फोन कैसे टैप हुआ, किसकी सूचना से हुआ, किसकी परमिशन से हुआ, और चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार फोन टैपिंग की सूचना दे सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन?
इसमें तो एक क्वेश्चन एराइज होता है, ये आपको तृणमूल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहिए था। प्रेमांशु आनंद बाजार पत्रिका। वहां चुनाव समाप्त हो चुका है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है? कल चुनाव पैक हो चुका है, कल तक चक्रधर महतो ओपन थे। देखिए एंटी इनकम्बेंसी तब ही एनकेस होती है कि किसी और से आशा बंदी हो, और मैं मानता हूं भाजपा से आशा बंदी है, इसलिए मैं उसको सकारात्मक मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मानता हूं। प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों के आचरण पर विश्वास है, बंगाल की जनता जी। जरा माइक ले लीजिए सर। जिन जगहों पर अभी चुनाव होना बाकी है, वहां पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि हिंसा हुई थी, तो क्या लग रहा है इस बार पूरी तरह से बंगाल में हिंसा की खबरें सामने नहीं आएंगी? पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में? मैं तो आशा करता हूं नहीं आएगी और नहीं आना चाहिए। अगला सर, केरल की सरकार ने अब ये जुडिशियल इंक्वायरी लॉन्च किया है सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं फेस सेविंग के लिए? गोल्ड स्कैम में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पकड़े जाने के बाद उनके पास और कोई चारा ही नहीं है, तो बहुत नेचुरल रिएक्शन है, मुझे इसमें आश्चर्य नहीं हो रहा है, ये फेस सेविंग की कोरी एक्सरसाइज है। नीलू रंजन दैनिक जागरण। नहीं, जनता की जागृति इतनी है कि जनता से हिंसा करने वाले डरते हैं। शीला भट्ट बोलिए। शीला भट्ट फ्रॉम दैनिक भास्कर ऑनलाइन। अमित